ऐसे बच्चे जो शहीद हुए हों इस तरह कि वो अपने माँ बाप से और घर से दूर हों और उनका कोई कसूर भी ना हो और वो अपने घर वालों की तलाश में ही निकले हों और अपने शहर में भी ना हो पराए शहर में गए हों और वहाँ के हाकिम वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की फौज उन दो बच्चों से डर रही हो। अगर इस दौर में समझा जाए तो समझ में आता है कि हाँ क्या पता खुद कुछ जैकेट जो है वो पहनी हुई हो या उनके पास असला हो जो उन्होंने बांधा हो जो वो कभी भी जो है वो अपने आप को डिस्पोज कर लें या फाड़ लें। 1400 साल पहले की कहानी है जब मुस्लिम अकील जो है इमाम हुसैन के सफ़ीर बनकर गए नजफ में और उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि तुमने जो है इमाम हुसैन को इतने सारे ख़त क्यों लिखे। उन लोगों ने मदद मांगी तो रीज़न पूछी कि क्यों मांगी और क्या वजह थी कि आपको जो है हुसैन की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ का हाकिम जो है वो बहुत ज़ालिम है वो जुल्म करता है और हमारे से उसकी नहीं बनती है। इस तरह की बहुत सी स्टेटमेंट उन्होंने दी। जब मुस्लिम अकील को ये यकीन हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है हम बैत कर लेते हैं। तो उन्होंने बैत की तो 18,000 लोगों ने उनके साथ बैत की। का जो हाकिम था जो खलीफा था वो इब्ने ज़ियाद था और इब्ने ज़ियाद ने जो है लोगों को अशरफियों से और पैसे की लालच से जो है वो ख़रीद लिया। उन्हीं सिपाहियों के उन्हीं लोगों के जो मुस्लिम अकील की बैत की थी उन्हीं के घर वालों को ख़रीदा और उनके घर वाले अपने लोगों को ले गए और मुस्लिम अकील अकेले रह गए और फिर इस तरह जो है वो पकड़े गए और शहीद कर दिए गए। उनके बच्चे भी उन्हीं की पीछे रास्ते में आ रहे थे उन्हीं की तलाश में। वो जब यहाँ पहुँचे कूफा और लोगों को पता लगा कि उनके बच्चे हैं तो इसी तरह गवर्नमेंट यानी कि इब्ने ज़ियाद को भी पता लगा तो उन्होंने उन बच्चों की पकड़ने पर पैसे रख दिए जिसकी वजह से लोग जो है उनको ढूंढने लगे। बच्चे छुपते छुपाते काफ़ी दिन जो है वो रहे और कभी किसी के घर कभी किसी के घर इतने मासूम बच्चे अहले बैत के जो सिर्फ अपने अजद की जो है तालीमात पे अमल करते हुए आगे बढ़ते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि एक दरिया के किनारे जो है उन्हें पकड़ लिया गया और वहीं उनको शहीद कर दिया गया। उनके सर काट के जो है वो इब्ने ज़ियाद को पेश किए गए ताकि इनाम मिले और जिसने ये काम किया उसको भी उसने बाद में कत्ल करवा दिया यानी ये सर कटवा दिया। तो ये मुस्लिम अकील के वो बच्चे दिलेर बच्चे हैं जो बहादुर बच्चे हैं जो अपने बाप के पीछे आए अपने बाप के मिलने और उन्हें जो रास्ते में मिस हो गए थे वहाँ से ये आए और इस तरह जो है पहली जो शहादत थी करबला की वो मुस्लिम अकील ने दी और उनके बाद जो है उनके ये दो बच्चों ने शहादत दी। उसके बाद जो है वो करबला का वाक़ वकू पज़ीर हुआ। एक छोटी सी बात कि एक अहले बैत एक भी चाहे वो बच्चा हो 7 साल का या 11 साल का बच्चा हो ये दो बच्चे एक की उम्र 11 साल और एक की उम्र 7 साल थी यानी कि मोहम्मद बड़ा था इब्राहिम छोटा था। दोनों बच्चों की उम्र क्या इतनी उम्र के बच्चे से भी लोग डरते थे अहले बैत का इतनी अहले बैत की दहशत थी या अहले बैत का डर या खौफ था ज़माने को उन लोगों पर जो हुक्मरान थे जो ताकत रखते थे जो सलाहियत रखते थे हर मशीनरी या जो भी बुरुएकार लाकर अहले बैत को उन्होंने जो है वो निशाना बनाते रहे। एक भी नहीं दो भी नहीं 8 इमामों को निशाना बनाया हज़रत अली के बाद। छोटी बात नहीं है ये तो वो 8 इमाम हैं जो लाइन अप हुए इनके साथ और भी इनकी बहन भाई थे वो मौला की औलादें थी ज़माने के जो इमाम थे उनकी औलादें थी और भी थी वो सब तितर बितर हो गई और आज भी इस ज़माने में हमें सैयद मिलते हैं। वो सैयदों का नाम मिटाने पर तुल गए थे उस वक्त के लोग और आज भी हमें सैयद कसरत से मिलते हैं और ऐसे सैयद जो वाकई उनका शजरा उनके पास है। तो आज वो लोग जो नाम मिटा रहे थे उनके नाम नहीं मिलते उनकी नस्लें नहीं मिलती हैं। तो छोटी सी चीज़ आपको सोचने के लिए दी है क्या बुराई ख़त्म हो सकती है या बुराई खुद इन अच्छाई को ख़त्म करते करते ख़त्म हो जाएगी एक दिन। इसी के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।